लिंग परीक्षण की शिकायत मिलने के बाद ग्वालियर प्रशासन की टीम ने झांसी के जय माता दी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले को अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काफी गड़बड़ियां मिली। टीम ने भ्रूण परीक्षण कर रहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं सहित अल्ट्रासाउंड के मालिक को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर PCPNTD एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लिंग परीक्षण की शिकायत के बाद ग्वालियर प्रशासन की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले को झांसी के जय माता दी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काफी गड़बड़ियां मिली है, साथ ही लिंग परीक्षण करते हुए भी पाया गया है। दरअसल यह कार्रवाई ग्वालियर कलेक्टर के आदेश के बाद की गई, जिसमें शिकायत मिली थी कि ग्वालियर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी महिलाओं की तलाश करती है जो गर्भवती हैं, जिसके बाद वह उन्हें लिंग परीक्षण कराने की सलाह देती है, साथ ही लिंग परीक्षण के लिए झांसी के अल्ट्रासाउंड ले जाती है, जिसके बाद कलेक्टर ने यह टीम गठित की, जिसमें दो महिला IAS अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने झांसी के प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर जय माता दी अल्ट्रासाउंड छापामार कार्रवाई की। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि हमारे एक कार्यकर्ता महिलाओं को झांसी ले जाती है, ग्वालियर से झांसी ले जाती है और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो काम करती है। इस संबंध में सूचना मिली कि आज सुबह भी वो कुछ लोगों को ले जा रही थी। इसमें हमारी टीम द्वारा डिकॉय के रूप में नायब तहसीलदार वंदना यादव और पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम, उनको ट्रेन पर कार्यकर्ता के साथ में भेजा गया। इसके साथ में हमारी एक दूसरी टीम दीपशिखा भगत के निर्देशन में यहाँ से कार के द्वारा रवाना हुई और झांसी में जो झांसी की एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट हैं श्रीमती वान्या जी, उनके साथ में उन्होंने कोऑर्डिनेट करा और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके कार्रवाई करी गई। वहाँ पे यह ज्ञात हुआ है कि जिस डॉक्टर के नाम से अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कई OPD के पर्चे मिले हैं जिसमें डॉक्टर के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार से बिना प्रॉपर कार्रवाई के, जैसे हमारा फॉर्म F और अन्य जो एक्ट के अंतर्गत हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको किए बिना महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, प्लस ये जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किया जा रहा है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अरुणा राठौर, संतोष यादव और अल्ट्रासाउंड के मालिक राम नरेश पटेल को मौके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अरुणा राठौर ने शुरुआती दौर में 3 लिंग परीक्षण की बात कबूल की। उसके मुताबिक ग्वालियर में वह ऐसी महिलाओं को तलाश करती थी जो गर्भवती हैं। वह उन्हें झांसी में ले जाकर लिंग परीक्षण कराती थी, जिसके एवज में उसे 10,000 रुपए मिलते थे। फिलहाल अल्ट्रासाउंड के मालिक राम नरेश पटेल के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अरुणा राठौर और सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद ही लिंग परीक्षण के रैकेट का खुलासा करने वाले अफसरों को उम्मीद है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।